हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट पैडेज पब्लिक स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ, और मैथ में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एलसीएम, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप अपना फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उन सब में एलसीएम की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आज हम एलसीएम को सीखेंगे, और अभी किस मेथड से, तो डिवीजन मेथड से। इसे हमारे पास मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 13। मतलब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, जो हमारा ऊपर का मेथड है डिवीजन मेथड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके क्या लिखेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 16, हम यहाँ पर लिखेंगे 24, और यहाँ पर लिखेंगे 13, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम इसको डिवीजन मेथड में ऐसे भाग करते हैं, हम तो ऐसे मतलब भाग जैसा कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस अंक से, उस नंबर से सभी को भाग करेंगे, जिससे ये सारे मतलब पूरी पूरी तरीके से भाग हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो और कम से कम अगर डिवाइड तीनों नहीं हो, तो कम से कम हमें देखना है कि कम से कम दो अंक ऐसे हो जो कि उस अंक से डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास फर्स्ट अंक आता है 2, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से 16 कितने बार डिवाइड होता है, 8 बार में। उसी प्रकार 24 हमारे 2 से कितने टाइम में डिवाइड होता है, तो 12। और इसी प्रकार अगर हमारा 13 हो जाएगा तो कितने बार में, 15 बार में। तो हमने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि ये क्या तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर हो जाएंगी तो करेंगे, अगर 2 भी होती है तो भी करेंगे, लेकिन अगर 1 होती है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि कम से कम एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी नंबर से कोई भी दो संख्या, कोई भी दो नंबर डिवाइड होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं, और हमें लग रहा है कि 2 से ये दोनों संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ से 2 से 8 कितने टाइम में, तो 4 टाइम्स में, और यहाँ पे 12 कितने टाइम है, तो यहाँ पे 6 टाइम है, और यहाँ पे 15 है, तो 15 तो हमको नहीं लग रहा है कि डिवाइड हो जाए, तो 15 का हम क्या कर सकते हैं, 15 का 15 छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से देखेंगे क्या हमारी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से होगी, यहाँ दोनों दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ फिर लिखेंगे, और यहाँ पे 2 से 4 कितने बार में, 2 टाइम्स में, 6 कितने बार में, 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 15 कितने टाइम में, 15 का 15 रहेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या अब ये 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड होने वाली हमारी संख्या 2 है, जो कि 1 ही है। अगर 1 होती है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 2 को डिवाइड करना है, तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब आगे देखेंगे हम लोग 3 से, क्या 3 से ये तीनों संख्या डिवाइड होंगी, ये तो नहीं होगी, लेकिन 3 से 3 हो जाएगी 1 बार में, और 15 भी हो जाएगी 5 टाइम्स में। तो हम इसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 संख्या को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, अगर 2 डिवाइड नहीं होगी तो 2 का 2 लिख देते हैं, 3 कितने टाइम में, तो 1 टाइम में, और 15 यहाँ पे 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे फिर हमको देखना है क्या ये कोई भी संख्या अब डिवाइड होगी, नहीं, 2 एक अलग हो गया, 1 एक अलग हो गया, 5 क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब कि अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। तब हम इसका क्या करेंगे, तब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सभी को क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम देखेंगे, देखते हैं, तो हम सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम, क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं एलसीएम, यहाँ पे हम बगल में एलसीएम लिख देते हैं, और यहाँ पे उसके बराबर देकर, हम यहाँ पे बराबर दे दिए, और यहाँ पे सभी को देखेंगे कौन कितना बार में है। तो यहाँ पे 2 है कितने बार, 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 4, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 5 है। तो 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से कितनी भी गुणा करेंगे तो हमको 1 ही रहेगा। तो हम सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, फिर 2, फिर 3, फिर हमारा 2, फिर हमारा 5, मतलब इधर की सारी संख्या और इधर की सारी संख्या, सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 हमारा कितना होगा, 4, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 × 2 हो जाएगा कितना, 48, और उसी प्रकार 48 में 5 से करेंगे तो देखना होगा। तो पूरा गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 में 2 से करेंगे तो 60, 60 में 2 से करेंगे तो 120, 120 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
240, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 240। तो ये हमारा होगा आंसर, यही हमारा हो गया एलसीएम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हम आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बताइए कि इसका आंसर कितना होता है। तो हम देते हैं यहाँ पे 15, 45 और 16, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो आप इसको फाइंड करके हमें कमेंट में लिखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अन्य वीडियो में किसी अन्य ऐसे ही मतलब टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो फॉलो करने के लिए थैंक यू।